राजस्थान में भी कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना का प्रकोप 22 जिलों तक फैल चुका है। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। बांसवाड़ा जिले में 3 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, आज प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या 27 रही है। राजस्थान में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 328 पहुंच गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, लगातार कोरोना पॉजिटिवों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है 328, यानी कि आज भीलवाड़ा में अभी हाल ही में 3 और नए कोरोना मामले सामने आए हैं। और अब भीलवाड़ा में आज ही के दिन में जो सॉरी माफी चाहूंगा बांसवाड़ा में आज ही के दिन में 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिस तरह से आज बांसवाड़ा में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे अभी हाल ही में, और उसके बाद में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या वहां पर हो चुकी है 9। इस तरह से कुल यानी 328 प्रदेश भर के 22 जिलों में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ चुके हैं। बात करें तो जयपुर में सबसे अधिक कोरोना के पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं, 103 कोरोना के पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। आज जयपुर में 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी तरह जैसलमेर में 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह लगातार यानी कि जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए जोधपुर में अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि भीलवाड़ा में जिस तरह से पिछले 3 दिनों से एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, और उससे पहले भी 4 दिन कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। तो ऐसे में देखा जाए तो एक सप्ताह में मैच भीलवाड़ा में एक कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया है, और अब भीलवाड़ा में केवल 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज है। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग ने वहां से मुस्तैदी से काम किया था, उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सराहना की गई है कि भीलवाड़ा मॉडल हर जगह पे लागू किया जाए, उसको लेकर निर्देश भी दिए गए थे। और अब भीलवाड़ा मॉडल के तहत भी अब जयपुर और जो प्रदेश के अन्य जिलों में जहां जहां कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं वहां पर उसी तरह से इनकी काम किया जा रहा है जयपुर के, और लेकर शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हालांकि भीलवाड़ा के स्तर पर ही उसी मॉडल पर जयपुर में काम किया जा रहा है, उसी महाकर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि दोनों की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, जैसे भीलवाड़ा में बिखरे हुए लोग हैं, वहीं रामगंज जयपुर का जो क्षेत्र बिल्कुल सबसे अधिक जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अंतिम सवाल बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। जयपुर में 3 पॉजिटिव आए हैं, वो कौन से इलाके से निकल के सामने आए हैं? दूसरा, भीलवाड़ा में आज कोई पॉजिटिव आया है क्या? बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे रिप्लाई चाहूंगा। बिल्कुल बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा में पिछले 3 दिन से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया, और वहीं जयपुर में 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए, जो वो सामने जो पहले से आइसोलेट किए गए थे उन्हीं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में जिस तरह से लगातार चिकित्सा विभाग ने भी स्क्रीनिंग कर रहा है। चलिए लोकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने प्रदेश के कोरोना मामलों को लेकर जानकारी दी। कोरोना को